सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं अर्पित, आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। हिंदू युवा वाहिनी की तहसील समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। संगठन को मजबूत करने पर दिया गया जोर। जिले के और मंडल के अधिकारियों ने ली समीक्षा बैठक। आज हिंदू युवा वाहिनी बिजनौर तहसील समीक्षा बैठक का आयोजन धामपुर के श्री राम सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी डॉक्टर एनपी सिंह रहे। कार्यक्रम में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई एवं आगामी त्योहारों को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर एनपी सिंह ने अपने संबोधन में पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में कांवड़ यात्रा बैन लगा दिया जाता था, जिससे कांवड़ियों की संख्या बहुत कम रहती थी, लेकिन जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से हरिद्वार से जल लेकर चलने वाला प्रत्येक कांवड़ती सच्ची श्रद्धा और अलग एक जोश देखने को मिलता है। वहीं शासन और प्रशासन भी कड़ी सुरक्षा और सेवा में लगा हुआ है। हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी हरीश चौहान ने संगठन पर चर्चा करते हुए सभी ब्लॉक अध्यक्षों को अपने खंड में जाकर योजनाओं के बारे में बताने को कहा है और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक टीकम सिंह फौजी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए सभी को एकजुटता से कार्य करने की प्रणाली अपनाने को कहा। अगर कोई परेशानी आती है तो पूरा संगठन एकजुट होकर उसके प्रति सजग रहेगा। वहीं जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार पाल और जिला संरक्षक अनिल कुमार ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य किया। अपने संबोधन में संगठन के प्रति और सजग और सक्रियता से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष संजीव मलिक, जिला संयोजक टीकम सिंह फौजी, जिला संरक्षक अनिल कुमार, जिला उपाध्यक्ष शुभाकर चौहान, अनिल पाल, प्रिंस चौहान, अवनीश कुमार, जिला मंत्री दुष्यंत सिंह आदि सैकड़ों की कार्यकर्ता में मौजूदगी रही। जब कांवड़ यात्रा के लिए, जब हमारे होने के भक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार को निकलते थे, जब डीजे बजाते थे, उन लोगों को कितनी परेशानी होती। लेकिन बंधु, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद कितना परिवर्तन आया है। ये कांवड़ थी बड़े आन बान और शान के साथ भारत माता का झंडा लगाकर बड़े मान सम्मान के साथ कांवड़ लेने जा रहा है। वहाँ से सफलतापूर्वक अपनी कांवड़ का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। बंधु, आपने देखा होगा पिछले वर्षों के बाद भी इस बार कांवड़ लाने वालों की भक्तों की बहुत संख्या बढ़ी। ऐसा माना जा रहा है कि इस साल लगभग 6 करोड़ कार्यकर्ता कांवड़ लाएगा। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ साथ सबको एक हाथ जोड़ कराने के लिए सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।